सभी भाइयों को राम राम और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं अपने वॉक के साथ। सुबह उठे, फ्रेश फ्रेश हुए, ब्रश व्रश किया और निकल गए आपका भाई वापस घूमने के लिए। तो आज रेगुलर मेरे को शायद 8 या 9 दिन हो गए वीडियो डालते हुए और घूमते हुए और वर्कआउट करते हुए। बहुत चेंज आया, वीडियो में भी आया, खुद में भी आया, खुद की बॉडी में भी आया, सब में आ रहा है धीरे धीरे। और अगर रेगुलर में 23 दिन तक अगर वर्कआउट करता रहा, वॉक करता रहा, वीडियो डालता रहा ना, तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा मेरे को लगता है। बाकी आप लोग बताओ आपको कैसा क्या लग रहा है। वीडियो है नॉर्मल, जो डेली रूटीन है ना वही दिखा रहा हूँ, इसके अलावा क्या बनाऊँ बताओ आप। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी लाइफ में रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई सापे हो रहे हैं, झूठ बाट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, झूठ बाट में मैं डाल रहा हूँ, वो चीज़ तो मेरे से होती है नहीं। जो चीज़ मेरे साथ हो रही है वो मैं दिखा देता हूँ, और जो चीज़ें नहीं होती वो मैं बना के कैसे दिखाऊँ यार, ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो अपन झूठे वूठे नहीं है, जो है वो आपको दिखा देते हैं, चाहे अच्छा बनाओ चाहे बुरा बनाओ, बाकी आप लोग देखो। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजने को है मेरे हिसाब से, और सूरज भगवान काफ़ी गर्मी दे रहे हैं आज, और ठंड भी है साला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे घर वाले बीमार पड़े हैं सबके सब, और पापा के बुखार हो रही है, प्रियंका, मैं, दादी, मम्मी सब बीमार पड़े हैं ये मौसम के कारण। मौसम पता नहीं क्या बोलेगा और कब ठीक होगा। ये तो बताओ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में यार, क्या मज़े हो रहे हैं? या तो बढ़िया, मतलब मेरे को लगा था जनवरी में 2024 बेकार रहेगा, पर नहीं, वो अपने खुद के ऊपर है अपन क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या समझते हैं। तो अच्छा ही जाएगा, बुरा क्यों जाएगा? अगर कुछ सोचोगे तो बुरा जाएगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा जाएगा। तो वो खुद के ऊपर है भैया, आराम से मस्त रहो। अच्छा बुरा तो देखो सब ऊपर वाले के हाथ में, वो जो करेगा वो करेगा, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, अपन बस कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। तो अभी आप बताओ मेरे ये छोटे छोटे बाल कैसे लग रहे हैं? हम मेरे हिसाब से अब ठीक लग रहे हैं, पहले पता नहीं। और मेरे को छोटे बाल ही ज़्यादा पसंद है लंबे बजाय, क्योंकि मैं हमेशा छोटे बाल ही रखता हूँ। यही क्या है कि भैया मेरे जो भाई है ना, वो यही बोल देते हैं कि बोले जिम की वीडियो मत डाला कर, अच्छा नहीं लगता, ये वो बोरिंग सा होता है, पलड़ा ढिकड़ा। तो मैं ये बोला कि भैया मैं आदत डाल रहा हूँ बोलने की, लोगों के सामने आने की, और मैं ये डालूँगा चाहे तुम लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगे, उससे मतलब नहीं है। मैं मेरी खुद की आदत बना रहा हूँ कि भाई मैं बोलूँ तो सही, कैमरा तो फेस करने लगूँ और बोलना तो सीखूँ लोगों से सबसे, तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा, तभी तो आगे सीखूँगा। पर नहीं, हमारे वाले जो होते ना वो होते हैं, समझ रहे हो ना आप? तो झूठ पाकर तो देखो मेरे से होता है नहीं कि भाई ये हो गया, रोज़ क्लेश हो गया, आज जिम में ये हो गया, आज मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, इतना नहीं होता मेरे से। जो है मैं वही दिखाता हूँ, जो नहीं है वो मैं बना के नहीं दिखाता। तो बस यही था कि झूठ पाकर नहीं करने का, जो सच्चाई है वो दिखाओ। अभी मैं स्पीति घूम के आया, विंटर स्पीति करके आया, बहुत सारे वीडियो लोगों ने ऐसे बनाए हैं कि भाई उनके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ है, और वहाँ कुछ भी नहीं होता ऐसा। कोई अगर दूसरा भी देखे ना, वो ये देखे पता नहीं यार हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो मैं ऐसा वीडियो कुछ भी नहीं बनाता जिससे लोगों को लगे यार क्या पता वहाँ क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। भैया जो है वो दिखाओ, झूठ पाकर मत करो, कुछ नहीं होता इन बातों से, और लोग देखते हैं आपको, लोग कुछ सीखते हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ और अच्छा सा बोलो उनके सामने, ताकि उनको लगे कि भाई वाह भाई हम भी कर सकते हैं। तो बस यही था, और अभी अपनी ढाणी में एंट्री कर चुके। आज भाई साहब सांस फिर से फूलने लग गई है, सांस का मेरी दिक्कत है मेरे को लग रहा है, और मैं क्या है थोड़ा बहुत भगने भी लग गए ना, तो इस चक्कर में बाकी अपनी ढाणी स्टार्ट हो गई, और ये अपने खेत चारों तरफ और बड़ी हरियाली, और दादाजी आ रहे हमारे। दादाजी कोई टाइम है क्या उठने का? टाइम देख सर, उठवा उठ टाइम 8:30 बज रहे, अब उठ ही जाएगा। चल हाँ सर, चाल तो चाल तो यार, उठा ही कौन मनिया लागे, इन कोई उठाओ नहीं तो उठा ही कौन है आग नहीं यार, सोए जे दवार। चल चल गए, चल क्या शानदार ट्रैक्टर है ना, कितना पुराना।
पे भैया गर्मियों का मौसम आ गया है तो बढ़िया पुल वुल की सफाई वफाई करके पानी वानी भर दिया है। मेरे को लगा कि भाई मैं लेट हो गया क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3:30-4, तो ऐसा नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं आया, मैं ही आया हूँ और आशीष भी आ रहे हैं नीचे से। तो आज है अपना लेग्स करेंगे आज भैया, लेग्स तोड़ेंगे और पीछे अपने रॉक महाराज, और ये तो क्या बोलूँ मैं इसके लिए, मैं बोल नहीं सकता, ये गुरु है वो कुछ भी बोल दो, अब क्या बोले। तो आज है अपने लेग्स, तो आज लेग्स करने में मज़ा तो बहुत आता है पर सजा भी होती है, तो कोई ना अपना जो जितने भी पार्ट्स हैं ना सब कुछ हो गया, अब ऐसा कोई पार्ट नहीं है नहीं करना, अब मंडे से बिल्कुल शानदार वाली एक्सरसाइज करेंगे दबा के, क्योंकि जितने पार्ट दुखने थे वो दुख लिए, जितने रुकने थे वो रुक लिए, अब अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी। फिलहाल भाई अभी करते हैं वार्म अप और मिलते हैं आपको। तो आज अपना पहला एक्सरसाइज है, क्या नाम बताया था, स्क्वाट्स। तो आज स्क्वाट्स कर रहे हैं पहले एक्सरसाइज, एंड देखते हैं किस पे करते हैं। और आज सैटरडे के कारण देखो कोई भी नहीं आया, मतलब अभी टाइम हो रहा है 4:30-4, मेरे को लगा भर गया होगा जिम, तो आज हम दोनों भी लेट है, तो फिलहाल कोई नहीं है, अच्छी बात है क्योंकि खाली जिम में करने में मज़ा आता है। बहुत बढ़िया, 2, 3, 4, 5। अपने 10 किलो से चालू किया था, अभी वो है 10, 20, 5, 5, मतलब 30, ज़्यादा नहीं उठाना इसमें क्योंकि लेग्स के चक्कर में कहीं बाहर ना आ जाए अपना खोपरा, अपनी प्याली, तो इतना ही बहुत है 30-40 किलो, और बाकी वेट फिर उसमें उठा लेंगे यार। पता नहीं शनिवार वाले दिन लोगों को क्या हो जाता है, अभी तक कोई नहीं है यार, ऐसे कहाँ पार्टी करते हैं शनिवार वाले दिन, अभी तो पार्टी चालू नहीं हुई। तो अपनी सेकंड एक्सरसाइज है लेग्स एक्सटेंशन, क्या कहते हैं ये, चलो ये वाली है, तो सेकंड ये करेंगे, चल देखते हैं कौन सी करते हैं ब्रो। ये मेरे को बहुत प्यारी लगती है वे एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग वगैरह जो लेटते हैं ना वो भी गजब है, तो इससे ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगती है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना भैया। वेरी गुड, 1, 2, चलो 3, 4। लेग्स वाले दिन मज़ा बहुत आता है यार एक्सरसाइज करने में, पर जो क्रैम्प आते हैं ना, मतलब क्रैम्प बोले तो जो बाइटे आते हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं, मज़ा भी आता है और आँखों में आंसू भी आते हैं। अभी अपने आशीष भी वर्कआउट कर रहे थे तो करते करते उनके क्रैम्प आ गया, तो अभी नीचे गए वो नमक लेने या पानी पीने, दोनों से सही होते हैं, या तो नमक खा लो या पानी पी लो, तो मज़ा भी आता है, पैर तो भाई साहब अगले दिन क्या सॉलिड लगते हैं। 4th वर्कआउट लेग प्रेस, आज सीधे ही 90 किलो के साथ स्टार्ट किया है, 4 सेट, बढ़िया, चलो 1, 2, 3, 4, 5। फाइनल एक्सरसाइज पे क्या नाम था, काफ रेजेस, जो भी है वो है आज का खत्म। चिकन भी लो आराम से, चिकन में खाता है नहीं अंडे अब सबको थोड़ा ना बताऊं यार क्या खाता हूँ मैं अंडे खाता हूँ बस मैं, और कल पेट्रोल पंप बंद है तो देखते हैं बाइक चलेगी नहीं चलेगी अपनी, यार कोई पता नहीं, उसमें पेट्रोल भी नहीं है, तो कल तो रेस्ट ही लेंगे आराम से। वर्कआउट कंप्लीट, प्रोटीन शेक आ गया अपना, ये क्या हो गया, अरे साला ये क्या हुआ, वाइट वाइट सा, चलो छोड़ो फिर लेंगे अपन। तो अभी अपना लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट हो गया और बस कल संडे है, कल देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं, फिलहाल अभी प्रोटीन को इंजॉय करते हैं और चलते हैं।